भाजपा और जदयू के बीच में एक बार फिर से तलवारें खींच चुकी है, जुबानी जंग तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोर्चा संभाल लिया है नवल किशोर यादव ने। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी आए और नीतीश कुमार की तारीफ कर चले गए, अब इसके बाद जदयू नेता फूले नहीं समा रहे हैं। जदयू के विधायिका भीमा भारती ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जो उंगली उठाएगा उसकी उंगली काट देनी चाहिए। अब जैसे ही ये मामला प्रकाश में आया तो भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया। भाजपा के नवल किशोर यादव ने स्पष्ट किया है कि उंगली काटने की क्या जरूरत है, गर्दन ही काट दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता में शब्द दोष है, कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी पर भीमा भारती ने हमला बोला और यहां तक कि ट्रांसफर पोस्टिंग मामले को लेकर पैसे की लेन देन तक की बात कही और इसमें भारतीय जनता पार्टी कटघरे में खड़ी हुई। तो अब स्पष्ट तौर पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयानबाजी बताई जा रही है। लेकिन अब नवल किशोर यादव ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि अगर इतनी ज्यादा दिक्कत है तो गठबंधन क्यों नहीं तोड़ लेते हैं। नवल किशोर यादव का ऐलान और दूसरी तरफ भीमा भारती के बयान पर प्रतिक्रिया अब बिहार में एक बार फिर से भाजपा जदयू के बीच टकराव को दर्शाता है। अभी प्रधानमंत्री आए ही थे और सब कुछ ठीक कर ही रहे थे, निश्चितों में सुधार आ रहे थे, लेकिन इसी बीच भीमा भारती का बयान और नवल किशोर ने जो करारा हमला बोला है, जो पलटवार किया है, से स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं हटने वाली है। जहां भीमा भारती ने भाजपा के तमाम नेताओं को कटघरे में खड़ा किया है और साथ ही रामसूरत राय मामले को लेकर भी अपना बयान दिया है, वहीं दूसरी तरफ अब बड़ी खबर निकलकर यह सामने आ रही है कि नवल किशोर यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर इतनी ही ज्यादा गठबंधन में दिक्कत है तो गठबंधन तोड़ लीजिए। अब एक बार फिर से बात गठबंधन पर आ चुकी है। देखना होगा नवल किशोर यादव के इस बयान के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया जदयू की आती है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।